उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होते ही जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। सोमवार से नामांकन पत्र खरीदने का क्रम शुरू हो नामांकन के आज दूसरे दिन में बसपा प्रत्याशी अब्दुल अकरम अंसारी ने अपना नामांकन दाखिल करने का काम किया। नामांकन दाखिल करने वाले बसपा प्रत्याशी अब्दुल कयूम अंसारी ने कहा कि वह चुनाव जीतने पर जनता के विकास कार्यों की तरजीह देने का काम करेंगे। साथ ही मीडिया से सवाल पर पूछने पर कहा कि बहन के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है और आज हमने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। बहन जी के आशीर्वाद से टिकट मिला है। आज संबल आज दाखिल हो गया प्रचार दाखिल हो गया। क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर चुनाव में है, क्या कुछ होना बाकी है? ये घोसी विधानसभा में जो आज तक लोग बाहरी आए और कुछ नहीं किए, और हमारा मेन मुद्दा है जो ज़्यादा से ज़्यादा मैरिज हॉल, शौचालय और मेन सड़कों को जोड़ना। इसी तरीके से जैसे घोसी नगर पंचायत में हमने काम किया है चेयरमैन पति की हैसियत से, उसी वही सपना हमारा है कि हर वो काम नगर पंचायत के अलावा ग्राम सभा में भी काम हम करेंगे, पूरे विधानसभा में विकास का मेन मुद्दा रहेगा। प्रमुख कुछ मुद्दे बताइए जो घोसी में जो बड़े बड़े कुछ मुद्दे बाकी रह गए हैं, उनको पहले प्राथमिकता देकर आप पूरा करेंगे। जैसे बताइए क्या रहे? कोई आप बताइए आप क्या प्राथमिकता है, कुछ प्रमुख मुद्दे। जैसे मान लीजिए कि हमारा जैसे ये है कि घोसी नगर पंचायत में हमने अगर ट्रांसफार्मर जलते हैं तो 15 मिनट में मोबाइल ट्रांसफार्मर लगवाते हैं, उसी तरीके से ग्राम सभा में भी हम ट्रांसफार्मर जलेंगे तो 15 मिनट में लगवाने की पूरी कोशिश किया जाएगा। किससे है आपकी टक्कर? लड़ाई नहीं है किसी से।